तो पंजाबी में कौन सी आइटम बनती है भैया? सर हमारे यहाँ पनीर टिक्का मसाला बनता है, पनीर भुर्जी बनती है, पनीर लबाबदार बनता है, पनीर बटर मसाला बनता है, वेज तूफानी बनती है, वेज हंडी बनती है। फिर से आ गए गुरु नानक पंजाबी ढाबा पे। यहाँ पर मेरे को अलग से बोला गया था कि पंजाबी पनीर की अलग सब्जी बन रही है, तो आप एक बार हमारी सब्जी टेस्ट करो ऐसा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भैया मैं फिर से आ गया हूँ। जी बोलिए। क्या नाम है सर आपका? नाम दीपक है सर। कहाँ से हो? एमपी से? जी एमपी से। ओ भाई भाई, एमपी पे, मैं भी एमपी से ही हूँ। चलो दिखाओ आप क्या बनाने वाले हो। पनीर लबाबदार बना रहा हूँ। पनीर लबाबदार बना रहे हो? पनीर लबाबदार। अच्छा चलो बनाइए। पूरा तड़कते भड़कते में बन रहा है पनीर लवाबदार। ठंडा मसाला हो गया अपना, ग्रेवी ऐड कर दिया। धनिया ऐड कर दिया। नमक मसाला ऐड किया। पनीर जाएगा इसमें? पनीर आ रहा है। किसा हुआ पनीर जाएगा? ये अपना पनीर ऐड कर दिया। यहाँ पे 6 से 7 पीस जाएगा, 8 पीस पनीर जाएगा। भाई भाई भाई, पूरा पनीर से पूरा पनीर जाएगा, लंबा लंबा पनीर। जी तो रेडी हो गया हमारा लवाबदार। आपने ऐसा तड़कता भड़कता आज तक नहीं देखा होगा। रेडी। तो पंजाबी में कौन सी आइटम बनती है भैया? सर हमारे यहाँ पनीर टिक्का मसाला बनता है, पनीर भुर्जी बनती है, पनीर लवाबदार बनता है, पनीर बटर मसाला बनता है, वेज तूफानी बनती है, वेज हंडी बनती है। अपने यही सब नॉर्मल। और अपना ये ड्राई में हो गया पनीर टिक्का मसाला, पनीर टिक्का ड्राई, हरियाली टिक्का ड्राई, हरा वाला कबाब, जी सब यही सब। ये सब बनता है? सब आप ही बनाते हो यहाँ पर? जी सर। अच्छा ठीक है सर। पंजाबी ढाबे के यहाँ पर वाहेगुरु जी का फोटो कैसा बनता है गाइस, आप देख सकते हो इन लोग की, गाइस आप देख सकते हो इन लोग की शॉप है और खाने में काफ़ी मजा आएगा। तो सूरत में कभी भी आइए तो जांगीपुरा आके एक बार इसे ट्राई कीजिए। आपको नाम दिखा दो, नाम क्या है मेरा नाम बता दो। गुरु नानक ढाबा। दीदा आइए और एक बार ट्राई करिए, आपको मजा आएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसी नई नई वीडियो इसमें लाता रहूँगा। भैया क्या बात है, राजू भाई से मिलवाओ। चलो राजू भाई। और क्या क्या बेचते हो पंजाबी में? जो भी फूड है वो सब, सब्जी हो गई, थाली हो गई, नान हो गया, चूचू नान हो गया। तो राजू भाई, राजू भाई ये सब चीज़ ट्राई करते हैं। तो अभी हम भी इधर वीडियो शूट करने आए तो हमें काफ़ी मज़ा आया देख के, कुछ नई आई हम आइटम देखने को मिली। वो लच्छा पराठा सूरत में एक ही जगह पे मिलता है, वो जगह यहाँ पर है, क्योंकि हमने कहीं पर भी नहीं देखा, पहली बार यहाँ देखा। कभी भी आइए तो यहाँ आके ट्राई करिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। नॉर्मल प्राइस है इनका, कभी भी आइए। ये लोग की शॉप नहीं बोलती, यहाँ के कस्टमर्स बोलते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। क्या बोलते हो राजू भाई? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो आओ आप एक बार यहाँ पर ज़रूर।